Assalamu alaikum students, welcome to School of Professional Accountancy. My name is Ibtisam Tahir and today we'll be studying activity based costing. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन ICM exams, how is this topic tested? तो सबसे पहले चार या पांच नंबर का इसका MCQs आता है जो आपने सोल्यूशन करके उसके अंदर ABC के थ्रू ओवरहेड निकाल के देने होते हैं, एलोकेट करने हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी हो सकती है। तो इस तरह चार चार मार्क्स के दो MCQs आ सकते हैं या पांच नंबर का एक आ सकता है, उसके साथ दो मार्क्स के एक या दो जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। तो यूजुअली 5 से लेके 10-12 मार्क्स का ये टॉपिक टेस्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेडिशनली उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या फॉल्ट थे जिसकी वजह से हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत पड़ी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम ये देखते हैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो थी उसके अंदर हम ये करते होते थे कि जितने भी हमारे ओवरहेड्स होते थे ना उनको एडअप कर लेते थे, उसको हम वॉल्यूम की बेसिस के ऊपर हम डिवाइड करके और जितने हमारा जो रेट निकलता था OAR रेट उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते थे अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। इस तरह हम ओवरहेड्स चार्ज करते थे हर प्रोडक्ट को। ये 1900s का तरीका था जब लेबर इंटेंसिव होती थी प्रोडक्शन। अब मशीन इंटेंसिव हो गई है, अब जो है मैन्युफैक्चरिंग जो सारी वो मशीन इंटेंसिव है उसके अंदर ओवरहेड्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। पहले लेबर का पोर्शन ज़्यादा होता था, अब ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उनकी प्रॉपर अपोर्शनमेंट नहीं हो पाती थी। जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मशीन हैंडलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा और वर्कआउट हो रहे हैं, ओवरहेड्स लग रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट एक बन रहा है। दूसरी तरफ एक प्रोडक्ट है उसके अंदर ना उसकी असेंबलिंग में इतनी कॉस्ट आ रही है ना कोई और इतने कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो रही है, लेकिन उसके प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। लाइक एक प्रोडक्ट है वो एक है वन और दूसरी तरफ 999 है। तो हमने डायरेक्टली क्या करते थे ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में कि 1000 पे डिवाइड कर देंगे सारे ओवरहेड्स को और जो रेट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट को चार्ज कर देंगे और 999 से मल्टीप्लाई करके दूसरे प्रोडक्ट को चार्ज कर देंगे। अब होता क्या था, जो सिंगल प्रोडक्ट बना उसके ऊपर ओवरहेड्स हुए 1 लाख के, ठीक है, और जो 99 बनाया उसके ऊपर भी 1 लाख के हुए। एट द एंड जो चार्ज हुआ वो 2 रुपए चार्ज हो गए जो सिंगल प्रोडक्ट था जबकि उसे 1 लाख चार्ज होना चाहिए था। और कितने चार्ज हुए, 2 चार्ज हो गए, सिर्फ 2 रुपीज चार्ज हुए। और दूसरी तरफ जो 99 प्रोडक्ट थे जिनको टोटल मिला के 1 लाख रुपए चार्ज होना था उसको डिवाइड करके और उनको कितना चार्ज हो गया, सारी कॉस्ट सारे ओवरहेड्स जो सिंगल प्रोडक्ट पे लगे थे वो भी उनको चार्ज हो गए। तो ये बेसिकली एक फॉल्ट था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। तो उस चीज को खत्म करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेके आया गया। तो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा कि हम जो है वॉल्यूम रिलेटेड हम चार्ज नहीं करेंगे जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करती थी। हम सबसे पहले जो है एक्टिविटीज डिफाइन करेंगे। एक्टिविटीज की डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूँ, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। हम उसको एक्टिविटीज के अंदर डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम कोई ना कोई ड्राइवर ढूंढेंगे जो उस एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा। उस इन्फ्लुएंस की बेस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको फिर हम पर प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। इसके अंदर क्या उन्होंने कहा जी, एक एक्टिविटी है, लेट्स से प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। मशीन हैंडलिंग एक एक्टिविटी है, मशीन ऑयल एंड रिपेयर्स एक एक्टिविटी है, सुपरवाइजर की सैलरी ये एक एक्टिविटी है। अब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या किया था, इन सबको ऐड अप किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और हमने वॉल्यूम पर डिवाइड कर दिया। अब वॉल्यूम पर डिवाइड करके हमने जितने प्रोडक्ट को चार्ज करना था उससे सिंगल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 10 प्रोडक्ट का निकालनी है तो इतनी हो जाएगी, सिंगल की इतनी हो जाएगी, 1000 की इतनी हो जाएगी, उस तरह हम उसको चार्ज कर देते थे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा कि इसके ऊपर जितनी कॉस्ट है, एक्टिविटी डिफाइन करके आपने कहा जी इसके ऊपर इतनी कॉस्ट है, इसके ऊपर इतनी है, इसके ऊपर इतनी है, लाख लाख रुपए तीनों पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 1 लाख इस पे भी, 1 लाख इस पे भी, 1 लाख उस पे। तो उसने कहा कि आप इसको सम अप करके ऐसे डायरेक्टली जो है वो पोर्शन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे उसका कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा जी, इसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप के असल में सेटअप्स लगे कितने हैं, ठीक है, उस कॉस्ट को आप नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिवाइड करेंगे कि एक चीज है वो 1 लाख रुपए का उसका एक्सपेंस हुआ है उस पर कितने सेटअप लगे, उस पर 100 सेटअप लगे, आप उसको डिवाइड करें जी 1000 पर सेटअप। अब जिस प्रोडक्ट के जितने सेटअप लगे हैं आप उससे मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्टली जाके पोर्शन करके आप सारी कॉस्टिंग खराब नहीं करें। ये कॉन्सेप्ट दिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने। इसी तरह उसने कहा जी मशीन रिपेयर्स में उसको टोटल मशीन आवर्स पे करें,
इसी तरह उनका जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो आप लेबर आवर्स पे करें। तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिकली एक्टिविटीज क्या है और कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है। कॉस्ट पूल इज एन एक्टिविटी विच कंज्यूम रिसोर्सेज एंड फॉर विच ओवरहेड्स आर आइडेंटिफाइड एंड एलोकेट। कॉस्ट पूल जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ऊपर रिसोर्सेज लगते हैं। अब वो रिसोर्सेज दे कैन बी फाइनेंशियल, दे कैन बी नॉन फाइनेंशियल, हर किस्म के रिसोर्सेज हो सकते हैं। वो उस एक्टिविटी के ऊपर कोई रिसोर्स लगे, ठीक है, और अब जाहिर सी बात है रिसोर्सेज लग रहे हैं तो दैट मीन्स ओवरहेड्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल परस्पेक्टिव जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस चीज को एलोकेट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉस्ट पूल्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉस्ट पूल। और इस इन एक्टिविटीज को जो चीज इन्फ्लुएंस करती है, कोई भी चीज जो इनके लेवल ऑफ कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करेगी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली इस चीज को थ्रू डायग्राम समझाता हूँ। लेट्स से ये मैप ऑफ पाकिस्तान, हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज की, मेडिसिन की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब मेडिसिन की प्रोडक्शन करते हैं, हमें एक ऑर्डर आता है। लेट्स से ये सिटी है भावलपुर, ये कोई भी सिटी है बलूचिस्तान का, एंड दिस इज गवादर। तो हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि एक ऑर्डर आया, लाहौर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उन्होंने कहा हमें बाबलपुर में एक ऑर्डर चाहिए, एक ने कहा गवादर में चाहिए, बलोचिस्तान के किसी सिटी के अंदर उन्होंने मंगवा लिया। अब हमने क्या करना है? हमने देखा जी हमारे ओवरहेड्स होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं जी, मशीन हैंडलिंग भी होती है, प्रोडक्शन के और होते हैं, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम जो है हमारा कहते हैं ऑयल एंड गैस के एक्सपेंसिव हो रहे हैं, हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है, ये सारी चीजें हैं। हम उसमें से एक चीज ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेट से हम एक एक्टिविटी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, वो रिसोर्सेज लगते हैं, हमारे ओवरहेड्स होते हैं, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया ये हमारी एक एक्टिविटी है। और इसको इन्फ्लुएंस क्या करेगा? अब इसको जाहिर सी बात है एक कॉमन आदमी को भी ये चीज समझ आती है, एक कॉमन माइंड को ये चीज समझ आएगी कि जितना ज्यादा आप ट्रेवल करोगे तो उतने ज्यादा आपके होंगे, जितना कम ट्रेवल करोगे उतने कम होंगे। तो उसमें क्या चीज हुई? उसमें आप देखो कि क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, उसमें किलोमीटर्स या आपका वो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक्टिविटी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स। और उसका जो कॉस्ट ड्राइवर क्या है? उसका कॉस्ट ड्राइवर है कि डिस्टेंस कितना है, आप कह लो किलोमीटर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने एक्टिविटी बेस्ड, पहले आपको बता दूं ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या कहा। ऑब्जॉर्प्शन ने ये कहा कि एक चीज जो ऑर्डर यहाँ से यहाँ आया है उसके जितने एक्सपेंस हुए, एक जो यहाँ से यहाँ आया उसके जितने एक्सपेंस हुए, एक यहाँ से जो यहाँ आया उसके कितने एक्सपेंस हुए, तीनों को ऐड अप करो, ठीक है। और जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई, 1 लाख यूनिट्स यहाँ भेजे गए, 2 लाख यूनिट्स यहाँ भेजे गए, 3 लाख यूनिट्स यहाँ भेजे गए, टोटल 6 लाख यूनिट भेजे गए, उस पर डिवाइड कर दो और उसको पर यूनिट पे आप चार्ज कर दो। जितने यूनिट्स जहाँ भेजे गए हैं, यहाँ जितने भेजे गए उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी। अब इस तरह जब हम करेंगे उसमें होगा क्या? उसके अंदर जो भावलपुर को चार्ज होने थे, जितना जितने ओवरहेड चार्ज होने चाहिए थे पर यूनिट, वो उससे कहीं ज्यादा चार्ज हो गए, ठीक है। इसी तरह जितने चार्ज इसको होने चाहिए थे वो भी उससे ज्यादा चार्ज हो गए, लेकिन जो गवादर को चार्ज होने चाहिए थे, डिस्टेंस इतना ज्यादा था, वो उसको उससे कम चार्ज हो गए। तो जब ये अनफेयर एक किस्म की आपकी एलोकेशन हुई, आपकी अनफेयर कॉस्टिंग हुई, तो जहां से आप पोटेंशियल प्रॉफिट्स थे वो आपके पोटेंशियल लॉसेज हो गए। और जहां पे ये एक जगह ऐसी हुई जहां पे आप ब्रेक इवन या आप कह सकते हो कि लॉस में जा सकते थे, वहां उसने आपको प्रॉफिटेबल दिखा दिया, तो एक डिफरेंट सा अजीब सा सिनेरियो बन गया। इस चीज को हमने खत्म करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ली। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या कहा? लाहौर से जो ऑर्डर जाएगा ना भावलपुर, आपने इसका डिस्टेंस मेयर कर लेना। उन्होंने कहा जी कितना डिस्टेंस हुआ? जी 500 किलोमीटर हुआ। यहाँ से बलोचिस्तान एक ऑर्डर गया है, कितना किलोमीटर हुआ? जी 1000 किलोमीटर हुआ। टोटल कितने हो गए? 1500। यहाँ से लेके गवादर गया ये 1500 किलोमीटर है, टोटल कितने हो गए? 3000 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, आपकी गाड़ी ने 3000 किलोमीटर ट्रेवल किया। उसने कहा कि जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल करने में, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, इन सबको एडअप करो। इनको हमने एडअप किया, उसको हमने डिवाइड कर दिया 3000 से, जो भी कॉस्ट आई उसको हमने अपने नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर लिया, हमारे पास निकल आई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, आप कह लो पर किलोमीटर। डिस्टेंस हमने निकाल लिया, डिस्टेंस की जो कॉस्ट आई, सॉरी लॉजिस्टिक्स की जो हमारी कॉस्ट आई उसको हमने निकाल लिया कि पर किलोमीटर हमारा कितना खर्चा आया। अब उसको हमने चार्ज कैसे करना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुताबिक यहां से यहां जितने गए कितने किलोमीटर, 500 किलोमीटर हमने डिवाइड किया, लेट से पर किलोमीटर कॉस्ट निकली थी 1 रुपीज, तो यहां से लेके यहां तक 500 किलोमीटर है, तो हमने 500 इसको चार्ज कर दिया।
1500 इसको चार्ज कर दिया, 1000 इसको चार्ज कर दिया, ठीक हो गया। इतना चार्ज करने के बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा, अब उस गाड़ी में देखो कितने प्रोडक्ट हैं, उसमें 1 लाख प्रोडक्ट गए हैं या कितने लाख प्रोडक्ट गए हैं, ठीक है। अब उसमें उसके उस हिसाब से आपने उसको डिवाइड करके पर यूनिट पे चार्ज कर देना है। इसी तरह जितने यूनिट्स यहाँ गए, टोटल जितने किलोमीटर ट्रेवल हुए उसकी कॉस्ट ली, और जितने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में जितने किलोमीटर, ये नहीं किए सारे किलोमीटर, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में जितने किलोमीटर किए वो जो हमने पर किलोमीटर की कॉस्ट निकाली है उससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने देखा कितने यूनिट्स गए हैं, उस यूनिट्स पर डिवाइड किया, पर यूनिट वो चार्ज होगी। सेम थिंग जो है हमने इसके साथ की, ये सारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको हम ना प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके भी वो समझेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी इम्प्लीकेशन बता देता हूँ कि क्या होती हैं, और बल्कि कैलकुलेट कैसे होते हैं, पहले हम देख लेते हैं कैलकुलेट कैसे होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई होंगी, यूजुअली ऐसे ही होता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर, तो आपको देते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, यूजुअली दी होंगी, आपने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली, 1 2 3 4 ये एक्टिविटीज बनती है। अच्छा फिर आपने देखना है, और इनको क्या कहते हैं, इनको कॉस्ट पूल्स कहते हैं। अब उसके बाद फिर आपने देखना है कि इनका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इनको इन्फ्लुएंस क्या चीज करती है, वो आपको कॉस्ट ड्राइवर्स भी आपने कर लिए, और ये इसमें काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं, सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये चीज आपने जरा गौर करनी है। उसके अंदर ना क्वेश्चन में ट्रिक ये होता है कि वो आपको बैचेस में दे रहा होता है, ठीक है, और आपसे कैलकुलेट करवा रहा होता है नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर, आप वो देखते ही नहीं हो कि पर बैच के अंदर कितने यूनिट्स हैं, आप उसको डिवाइड नहीं करते। लेट से अब बैच 1000 का था, उसने 10,000 यूनिट्स दिए, तो 10 बैचेस बनने हैं, उसने आपको दे दिया मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है पर बैच इतनी आई है, लेकिन हम पर यूनिट पर डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने जरा देखनी है, इसमें मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट कर लेना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, जितने ओवरहेड्स जितने कॉस्ट पूल हमारे पास आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने डिवाइड करना है अपने कॉस्ट ड्राइवर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। उसको फिर हमने जो है मल्टीप्लाई करके सिंपली पर प्रोडक्ट पे हमने चार्ज कर देना है क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। ये मेथड है, इसका हम क्वेश्चन से देखते हैं। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है, एडवांटेजेस एडवांटेजेस इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। अच्छा अगर हम एबीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं उससे क्या होगा, हमें सबसे पहले हमारी कॉस्ट अच्छी निकलेगी, ठीक है। जब हमें एक चीज की कॉस्ट ट्रू कॉस्ट हमें पता लगी यार हमारा इस चीज के ऊपर 10 रुपये खर्चा आ रहा है, तो हम उस पर बेटर प्राइस कर सकते हैं, हम देखेंगे हमने 20% अपना प्रॉफिट रखना है, कितना प्रॉफिट रखना है, 15 रुपीज चार्ज कर लेते हैं। जहां पे हमें प्रॉपर अपनी कॉस्ट नहीं पता, हम 14 15 रुपए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे निकाल रहे हैं और 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 20 रुपए प्राइस रख रहे हैं, तो 20 रुपए मार्केट के अंदर वाइबल ही नहीं है, वो बिक ही नहीं रहा हमारा, हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा सही से, ठीक है। हम जो है ब्रेक इवन भी नहीं अचीव कर पा रहे। वही चीज अब जब हमें पता लगा कि 10 रुपए असल चार्ज थी, 20 नहीं थी, ठीक है, वो तो गवादर को हमने चार्ज गवादर वाली कॉस्ट इधर चार्ज कर रहे थे, हम असल में ये हुआ हमारे साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी 15 रुपए प्राइस जो हमने सही रखी मार्केट के अंदर वो चीज बिकने लगी, प्राइस वाइबल होगी, तो ये चीज आया बेटर प्राइसिंग कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग आप बेटर कर सकते हो, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी होगी, सेल्स स्ट्रेटेजी जब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देख रहे हो पहले आपको भावलपुर के अंदर और बलोचिस्तान के उसके अंदर आपको लॉस हो रहा था, ठीक है, क्योंकि गवादर वाली कॉस्ट जो इधर चार्ज हुई जा रही थी, आपको उधर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपको पता लगा जी हमें तो 10 रुपए भावलपुर से बच रहे हैं पर यूनिट, और 5 रुपए बलोचिस्तान से बच रहे हैं, एक्चुअली गवादर लॉस में है, गवादर प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, हमने जो है अपनी जो सारे मार्केटिंग रिसोर्सेज सेल्स रिसोर्सेज हमने भावलपुर को पहले नंबर पर एलोकेट किए, फिर बलोचिस्तान को, और गवादर में हमने प्राइस ज्यादा की ताकि ये प्रॉफिटेबल बने। तो इस तरह की आप सेल्स स्ट्रेटजी बनाओगे, आपकी सेल्स स्ट्रेटजी बेटर होगी, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑब्वियसली आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ये सेल कॉस्ट की, सेल्स की, और फिर कॉस्ट की भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी है, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस का बेटर पता लग गया, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो है बेटर होगा, आपको रियल एस्टेट प्रॉफिट्स का भी पता है, अपनी कॉस्ट का भी पता है, ये इसकी इंप्लीकेशन होती है। अब इसमें हमने देखना है कि एबीसी कब यूज नहीं करना चाहिए, उसमें ये है कि जहां पे आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, वॉल्यूम आप लाखों यूनिट्स बना रहे हो और आपकी प्रोडक्ट रेंज सिंपल है, दो एक या दो प्रोडक्ट आप बना रहे हो और लाखों प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वहां पे आपको एबीसी कंप्लीट करने की जरूरत है। एबीसी वहां पे इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्किंग कंडीशन होती है, आपका एक चीज जो है उसमें 100 100 असेंबलिंग लाइन है, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, मतलब वो नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजर के फिर वो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहां पे ओवरहेड्स डिफरेंट टाइप के ओवरहेड्स हो रहे होते हैं, वहां पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जहाँ पे वॉल्यूम रिलेटेड हो रही है वहां तो अब्सॉर्प्शन और एबीसी के अंदर ज्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स ही नहीं है, इतने कॉम्प्लेक्स ओवरहेड्स है ही नहीं, तो वहां पे हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, और जहाँ पे ओवरहेड्स वैसे ही बहुत छोटे हों तो वहां भी करने की जरूरत नहीं है।
ये चीज देखना है कि क्या जो कॉस्ट लग रही है एबीसी इंप्लीमेंट करने की, क्या वो प्रॉफिट को आउटवेट कर रही है, उसकी बेनिफिट को आउटवेट कर रही है। अगर बेनिफिट ही थोड़ा है, कॉस्ट ज्यादा है, तो फायदा क्या लगाने का, हमें कहीं नहीं करनी चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट रेंज, वो ये मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल हो तो फायदा नहीं, यहाँ पे ज्यादा हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, रेंज बहुत ज्यादा हो, असेंबली लाइन बहुत ज्यादा हो, वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट करने की। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, टाइम कंज्यूमिंग क्या, बेसिकली अच्छा खासा आपको वर्कआउट करना पड़ता है, बैकग्राउंड वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता, जब एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा तो फिर आप वर्किंग कैसे करोगे, और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरह ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है स्टेक होल्डर्स को समझाने के लिए, क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल लोग होते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होती चीजें, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है, बहुत ज्यादा सेठ है, वो कई लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, और बहुत लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिजनेस चला रहे हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आनी, आप उनको समझाने बैठोगे, ठीक है। डायरेक्टर्स होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है, तो ये जो है डिफिकल्ट है स्टेक होल्डर्स को समझाने के लिए, ठीक है। इसी तरह जो एक्टिविटीज आप आइडेंटिफाई करोगे, चलो कंपैरेटिवली एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना फिर भी सिंपल, लेकिन जो है कॉस्ट ड्राइवर, उसको जो है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मोस्टली गलतियां करते हैं। बेटर कॉस्ट ड्राइवर, आप दो तीन चार ड्राइवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एक एक्टिविटी को तीन चार पांच चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन अब उसमें से आपने डिसीजन लेना है कौन सी बेटर रहेगी, ठीक है। तो हर जो कॉस्ट ड्राइवर इन्फ्लुएंस करेगा, वो डिफरेंट कॉस्ट निकाल के देगा ऑब्वियसली, तो उसका जो 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 चीज इन्फ्लुएंस कर रही है ना, उसको स्टडी करना वो भी बड़ा डिफिकल्ट है, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। ये तीन चार डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि क्या कैसे कैलकुलेट होता है, इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, इसको हम स्टडी करते हैं कि वो क्या हमसे डिमांड कर रहा है और हमने क्या उसे बताना है। द एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स, जी दो प्रोडक्ट बनाती है, अल्फा और बीटा। बोथ आर लेबर इंटेंसिव एनवायरमेंट, डिफरेंट प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेसेस वो करते हैं, ठीक है। उसने कहा जी बीटा हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बन रहा होता है, अल्फा जो है लो वॉल्यूम में, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 999 प्रोडक्ट्स और सिंगल प्रोडक्ट, ये उसी तरह का एक केस है। अब उसने कहा हमें जो अल्फा और बीटा के हमें औसत दे दिए हैं जी, अल्फा में 5 घंटे लगते हैं, बीटा पे भी 5 घंटे लगते हैं, एनुअल प्रोडक्शन कितनी है, अल्फा 1200 यूनिट बनते हैं, बीटा 12000 बनते हैं, काफी डिफरेंस है। अब इसके परचेज ऑर्डर 75 आते हैं अल्फा के, बीटा के 85 आते हैं, टोटल ऐड किया 160 आते हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स अल्फा को सेटअप करने के लिए 40 सेटअप्स लगते हैं, लेकिन 40 सेटअप, आप ये देखें 40 सेटअप लग के 1200 यूनिट बन रहे हैं, और 12000 यूनिट बन रहे हैं, और कितने सेटअप लग रहे हैं, सिर्फ 60 सेटअप लग रहे हैं, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, ये आपने देखना है, बिग डिफरेंस, ठीक है। अब आपको उसने बता दिया जी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट जो टोटल है वो कितना हुआ है, 4,20,000, ये हमारे ओवरहेड्स हैं, उसने बता दिए। अच्छा, अब हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करना था, उसने हमें क्या कहा जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके आप जो है हमें कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपने अल्फा की निकाल देनी है और हम बीटा की भी निकाल देंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या करना होता था, हमने एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी होती थी, क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता, या आप कोई प्रैक्टिकली किसी कंपनी में तो नहीं वो कर रहे कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसने हमें जो है ना ऑलरेडी एक्टिविटीज बता दी कि जी वॉल्यूम एक एक्टिविटी है, परचेजिंग एक एक्टिविटी है, सेटअप एक एक्टिविटी है। दूसरी चीज हमने क्या करनी थी, हमें एक्सपेंसिस उसने दे दिए हैं इन सबके, दूसरी चीज हमें होती थी कि हमने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है, इस एक्टिविटी को कौन सी चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, वॉल्यूम को कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करेगी, ऑब्वियसली नंबर ऑफ यूनिट्स आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन आपने ये चीज समझनी है कि नंबर ऑफ यूनिट्स तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर, उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं, ठीक है, उसको बनाने में उसका टाइम कितना लग रहा है, टाइम एक मैटर वो जो है हमें बताएगा। अगर एक चीज के ऊपर 10 घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली डिफरेंट लेबर कॉस्ट है, और जो जिसके ऊपर 1 घंटा लग रहा है उसके ऊपर डिफरेंट कॉस्ट है, तो हमने क्या किया, हम इसको 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से, और हम निकालेंगे लेबर आवर्स, तो ये गालबन 6000 बनेंगे, तो 6000 जो है लेबर आवर्स इसके बनेंगे, और 60,000 इसके बनेंगे, 66,000 लेबर आवर्स बनेंगे, तो वॉल्यूम रिलेटेड जो होगी, या वॉल्यूम जो है एक्टिविटी, उसका बेटर जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। हमने परचेजिंग का कह दिया सिंपल है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हो जाएंगे, सेटअप जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ सेटअप्स, ये तीनों चीजें हमें गिवन है, कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई कर ली, कॉस्ट ड्राइवर्स का हमें पता लग गया। अब हम नीचे जो है ना इसको सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी कॉस्ट आ गई हमारे पास, ये हमें कॉस्ट तीनों पता है, 100,000, 1,45,000 और 1,75,000 सेटअप कॉस्ट है, ये आ गई हमारे पास। ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिया, लेबर आवर्स हैं, परचेज ऑर्डर्स हैं, सेटअप कॉस्ट है।
ये मैंने आपको बताया कि परचेज पहले जो है वॉल्यूम के लिए हमने नंबर ऑफ लेबर लिया, कैसे किया, 55 को मल्टीप्लाई किया 1200 से, ये हमारे पास आंसर आ गया 6000। 5 को मल्टीप्लाई किया 12000 से 60000 आंसर आ गया। बेसिकली 66000 लेबर ऑर्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 160 परचेज ऑर्डर्स है उन्होंने यहाँ पे दिया है हमें, ठीक है। 100 सेटअप्स है ये भी उसने हमें दे दिया। यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। अब हमने क्या निकालना था, हमने कहा था कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर हमने निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, वो हमने एक्टिविटी ये जो हमने निकाली है इसको डिवाइड कर देना है उसके ड्राइवर पे, ठीक है। कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर देना है। 100,000 को हमने डिवाइड कर दिया 66,000 लेबर और से, तो 1.51 हमारे पास पर लेबर और। 1,45,000 को हमने डिवाइड कर दिए 160 परचेज ऑर्डर से, 906.25 आ गई। 1,75,000 को हमने 100 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास 1,750 सेटअप कॉस्ट। यहां तक हमारा सवाल हो गया, हमने निकाल ली कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद हमने जो है इसको प्रोडक्ट पे चार्ज करना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी बनी उस प्रोडक्ट के लिए, और फिर हम उसको प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। हमारे पास 6,000 लेबर आवर्स लगे थे इसके ऊपर, ये उसने गिवन है, हमने कैलकुलेट किया था 5 × 1200, तो 6,000 लेबर आवर लगे थे प्रोडक्ट अल्फा के ऊपर। 1.51 को मल्टीप्लाई कर दिया 6,000 से, तो टोटल जो कॉस्ट चार्ज हुई है ना लगी है वो है 9090, ठीक है। ये कॉस्ट लगी है अल्फा को कंप्लीट 1200 प्रोडक्ट बनाने के लिए, जितने घंटे लगे उसको इतनी कॉस्ट लगी है। 75 परचेज ऑर्डर आए थे उसको मल्टीप्लाई किया 906 से, एक ऑर्डर की कॉस्ट से, तो 67,968 जो है डॉलर्स कॉस्ट लगी हमारी, ठीक है। 75 ऑर्डर करने के अंदर, एक ऑर्डर एक सेटअप करने के लिए 1750 लगे थे, 40 सेटअप किए 17,000 ये लगी। इन तीनों को हमने एडअप कर लिया, एडअप किया तो हमारे पास ये आंसर आया। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 1,47,060 रुपये, $60। ये हमारे पास आंसर आया इन तीनों कॉस्ट को एडअप करने के बाद, ठीक हो गया। ये हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं जो 1200 यूनिट्स के और हुए। अब उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि आप मुझे बताएं कि एक यूनिट के ऊपर अल्फा की कितनी कॉस्ट लगी। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1200 यूनिट्स के ऊपर, हमारे पास आ जाएगा 122.5 अप्रोक्सीमेटली ओवरहेड्स हैं जो कि अल्फा के ऊपर लगे हुए, ठीक है। यहाँ तक अगर वो कॉस्ट कैलकुलेट करवाता हो हमें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता क्वेश्चन को, मटेरियल कॉस्ट देता और वो कॉस्ट देता लेबर की, तो हम उसको ऐड अप करके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल सकते थे। अभी फिलहाल उसने हमें जो है ओवरहेड्स मांगे थे कि कितने हुए हैं, वो हमने उसको बता दिए कि जी इतने हुए। इसी तरह बीटा की हम बात कर लेते हैं, बीटा पे हमारे 60,000 लेबर आवर्स लगे थे, तो 60,000 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया 1.51 से, तो ये 9909 आंसर आ गया। 906 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 85 ऑर्डर से, उससे मल्टीप्लाई कर लिया 1750 पर सेटअप था, 60 सेटअप लगाए ये आ गया 105 आंसर आ गया। इन तीनों को अब हमने एडअप करना है, जब इन तीनों को एडअप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2,72,940। कितने यूनिट बनाए हैं हमने, बनाया 12,000, 12,000 पर डिवाइड किया तो 22.75 बीटा की कॉस्ट है। तो ये इस तरह एक जो है हम इसको कॉस्ट निकालते हैं। अब इसी तरह हम एक और सवाल देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। इसके अंदर क्या है, एक कंपनी जो है वो दो प्रोडक्ट बनाती है, सी एंड डी, ठीक है। उसके अंदर प्रोडक्ट सी के अंदर उन्होंने हमें दे दिया बजट यूनिट 1,000 है, इसके 4,000 टोटल 5,000 है लेबर और, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर सी के ऊपर 8 लगते हैं, डी के ऊपर 10 लगते हैं, टोटल आवर्स कितने हैं 48,000 लगते हैं, प्रोडक्शन रन है 13 सी को बनाने में लगेंगे, 15 डी को बनाने में लगेंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन कितने, 5 लगेंगे, इस पे 3 लगेंगे, टोटल 8 लगेंगे। अब हमने क्या करना होता था, उसने हमें बता दिया कि जी हमने निकालना है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है, एक्टिविटीज हमें गिवन है प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, हमने आइडेंटिफाई करनी है कॉस्ट ड्राइवर्स। ऑब्वियसली प्रोडक्शन सेटअप जो होगा वो क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी, वो इन्फ्लुएंस करेगी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और लेबर आवर्स, जितने घंटे लग रहे हैं एक चीज के ऊपर। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट है लेबर आवर्स, 8 और 10 जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट, अगर इवन प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम भी हो तो जब आवर्स डिफरेंस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। तो हमने जाना है लेबर आवर्स के ऊपर, हम लेबर आवर्स के ऊपर गए, हमने मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि कितने घंटे लग रहे हैं, 1000 से 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 4000 से मल्टीप्लाई किया 40,000, 8 × 1000 8,000, 40 + 8,000 48,000, 48,000 और लगे, ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर हो गया प्रोडक्शन सेटअप के लिए। फिर हमने देखा इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है, 80,000 है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, 5 इस पे लगते हैं और 3 इस पे लगते हैं, टोटल 8 लगते हैं, ठीक है।
और इसके बाद ओवरहेड्स हमने देखे 96,000 के हैं, उसने पहले ही बता दिया कि ये भी हमने लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर करना है, इसको भी हम लेबर आवर की बेसिस के ऊपर कर देंगे, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है, सॉरी ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है, सेटअप के लिए सेटअप कॉस्ट को हम करेंगे, वो मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट समझी, उसमें सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट हम देखेंगे कि 13 जो है, 13 सेटअप्स लग रहे हैं सी को बनाने में और डी को बनाने में 15 सेटअप लग रहे हैं, तो इसको हमने ऐडअप कर लिया कि 28 बन रहे हैं टोटल सेटअप्स। अब इसके अंदर जो बैच वाली मैं बात कर रहा था ना आपको, पहले मैंने बताया था कि बैचेस वो होती हैं, वो यहाँ पे लेट से क्या देता कि 100 का एक बैच होता है, ठीक है, और टोटल बैच कितने बनने थे, 10 बैचेस बनने थे। यहाँ पे वो हमें दे देता कि जी पर बैच जो है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 5 हो रहे हैं, तो हमने बैच के हिसाब से कैलकुलेट करना था, यानी 10 बैच होने थे और उसको इस पे कैलकुलेट करना था, हमने ये नहीं करना था 1000 को 5 के ऊपर आप डिवाइड करते हैं, बच्चे की चीज नहीं देखते यहाँ से, यहाँ ये चीज बैच में गिवन है, ये नंबर ऑफ जो है उसने यूनिट्स पे दे दिया, तो इस चीज का थोड़ा ख्याल करना है कि ये किस किस बेस के ऊपर वो दे रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमने सारे देख लिए हैं, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर क्या है, प्रोडक्शन रन है, इंस्पेक्शन कॉस्ट का क्या है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है, ओवरहेड का क्या है, लेबर आवर्स है, उसने कहा जी हमें कैलकुलेट करके बता दें प्रोडक्ट की टी की कॉस्ट, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने देखा 1,40,000 जो है सेटअप कॉस्ट है, इसका ड्राइवर जो है वो क्या था, नंबर ऑफ सेटअप्स थे, सेटअप्स कितने थे, सेटअप 28 थे, 28 से हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद इंस्पेक्शन की कॉस्ट थी 80,000, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 8 थे, डिवाइड कर लिया, 10,000 आ गया। लेबर आवर्स को जो है 96 हो रही थी, तो अदर जो थे उसको हमने 48,000 लेबर आवर्स उसको डिवाइड करके 2 पे निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसको जितने लग रहे हैं प्रोडक्ट डी के ऊपर, ठीक है, 15 सेटअप लग रहे हैं डी के ऊपर, 5,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से आया 5,000, 3 इंस्पेक्शन थे और पर इंस्पेक्शन 10,000 कॉस्ट आई, तो 30,000 इसको चार्ज हो गया। उसके बाद अदर ओवरहेड्स कितने थे, 40,000 जो है वो थे, 40,000 हमारे जो है, एक मिनट, अदर ओवरहेड्स 40,000 हमारे और हैं, ये रहे और यहाँ पे 40,000, 10 मल्टीप्लाई बाय 4,000 किया था, तो 40,000 हमारे और थे, और पर और कितनी थी, $2 चार्ज हुआ, तो 80,000 हमारे पास आ गया। इन तीनों को ऐडअप किया हमने, तो हमारे पास जो है आंसर आ गया 1,85,000, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं जी 4,000, बजटेड 4,000 है, 4,000 पे इन ओवरहेड्स को हमने डिवाइड कर दिया, जब 4,000 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 46.25 कॉस्ट आया, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, माई नंबर इज 03161699869, आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर जो है ये हमारी क्लास का सेकेंड लेक्चर है, जो कि एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जूम के ऊपर क्लास चल रही है, तो आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पढ़ाया जा रहा है, और ये 10 to 12 अप्रैल को ये कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद 8 to 10 days हमारी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी, जो कि P1, F5, ACCA F5, ACCA F9, सीमा P1, और अगर टाइम बचा तो ICMA के पास्ट पेपर्स, उनमें से सिलेक्टिव क्वेश्चंस एक एक दो दो तीन तीन सवाल करवाए जाएंगे, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, उसके अंदर VN भी होगी, तो वो कोर्स हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वही जो नंबर मैंने बताया है 03161699869 पर मैसेज कर सकता है और क्लास ज्वाइन कर सकता है। क्लास की फ़ी 5,000 है, तो इसमें हमने कंसेशन करके 20% ऑफ किया था, 4,000 हमने फीस चार्ज की है, तो अगर अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, इब्तिसाम ताहिर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।